तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो गाइस, आपको नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं और जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, मैं बेड के पीछे मैंने माता रानी को रखा है, और ऐसे मेरे रूम में ज़्यादा जगह नहीं है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। पर क्या करूँ, अभी जो जो हमारा है वही अपना है इसलिए हमको इसी में मैनेज करना है। तो मैंने कैसे कैसे सब कुछ तो किया है, मैनेज मैं अभी आपको माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो गाइस, ये देखिए मेरी माता रानी कैसी दिख रही हैं। अच्छी दिख रही हैं ना? बहुत सुंदर मुझे लग रही हैं, और भगवान करे कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो ये मैंने माता रानी को चुन्नी पहना दिया है, और ये मैंने पीछे से एक चुन्नी लगाया है, और ये देखिए ये फूल जो मैं आपको दिखा रही थी ये मैंने ऐसे करके ऐसे लगाया है, ऐसे करके, और ये बल्ब लगाया है। तो और इसके नीचे मैंने माता रानी की चौकी रखी है। तो माता जी कितनी मस्त कह सकते हैं। गाइस, माता रानी कैसे दिख रही हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी ये देखिए ये मेरा कलश, ये मैंने मिट्टी में जौ लगाए हैं, और ये मैंने गाय का गोबर लगाया है, और ये कलर वाले चावल जिसे अक्षत भी बोलते हैं, और ये येलो कलर चावल, ये ग्रीन कलर, ये पिंक कलर, और ये आम के पल्लो, इसमें मैंने पानी डाला है और कुछ सिक्के डाले हैं। तो अभी इस पे ये नारियल रखूँगी चुन्नी में लगा के। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, ये मैं चुन्नी लगा के नारियल में रख रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने नारियल को लगा लिया है, और अब मैं कलश के ऊपर रख दूंगी। सही बात नहीं रे। तो गाइस, ये मेरा कलश हो गया, ये चुनरी हो गया। तो कैसा दिख रहा है कलश? और मैं अभी दीपक जलाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें बाती डाल ली है, अभी इस पर ऑयल डालूंगी थोड़ा।